हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक बहुत ही प्यारा शहर है। तो अपनी इस राइड को भी आज हम स्टार्ट करेंगे सिहोरा से, क्योंकि मेरा होम टाउन सिहोरा है, तो मैं इस राइड को सिहोरा से ही स्टार्ट करूंगा। सिहोरा से खजुराहो का डिस्टेंस 220 किलोमीटर अप्रॉक्स है। सिहोरा से हम खजुराहो जाने के लिए जिस रूट मैप को फॉलो करेंगे, उसमें सबसे पहले हम बोहरी बन जाएंगे, उसके बाद रायपुरा जाएंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे सिमरिया गरही। सिमरिया गरही से खजुराहो जाने के लिए हमें दो रूट पड़ेंगे। अगर आप राइट साइड से जाएंगे तो आप पन्ना के रास्ते होते हुए खजुराहो पहुँचेंगे, और अगर आप लेफ़्ट साइड से जाएंगे तो आप सूरतपुर के रास्ते होते हुए पन्ना के जंगल को घूमते हुए आराम से आप खजुराहो पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने डिसाइड किया है कि हम सूरतपुर साइड से ही जाएंगे, क्योंकि हमें बागेश्वर धाम जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले बागेश्वर धाम दर्शन कर लें, उसके बाद ही हम खजुराहो जाएँ। और बागेश्वर धाम जाने के लिए सूरजपुर से जो रोड गया है वहाँ से कम डिस्टेंस पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे डैमेज हुआ है, पर ज़्यादा डिस्टेंस का नहीं है। मुश्किल से 6-7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस ही है जिसमें रोड डैमेज है, बाकी रोड अच्छी है। और खजुराहो तक जाने वाला ये सूरजपुर वाला जो रूट है, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है पन्ना रूट के हिसाब से। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ के छोटे छोटे वाटरफॉल भी चलना चालू हो गए हैं। मुझे तो यहाँ पे चारों साइड ही वाटरफॉल दिख रहे हैं, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, और जो व्यू बन रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर बन रहा है। और एक बार फ्रेंड्स, यहाँ पे आने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान जरूर रखें कि आप जब भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी गाड़ी का फ्यूल फुल करवा लें, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर पेट्रोल पम्प मिलते हैं, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़, जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो भी काफ़ी डिस्टेंस पर ही मिलती हैं। तो आप मेरी माने तो कुछ खाने पीने के लिए लेकर ही आएँ साथ पर, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो आप ये नदी देख रहे हैं, केन रिवर है, जो कि यहाँ की काफ़ी बड़ी नदी है। बरसात की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है, और रिवर के ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हमने अपनी राइड फिर से एक बार स्टार्ट कर दी है। एक बात और फ्रेंड्स, जब भी आप पन्ना टाइगर रिजर्व या यहाँ के जंगलों से निकलें, तो आप एक बात और याद रखें, तो आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से यहाँ आ रहे हैं, 2-व्हीलर या 4-व्हीलर, उसकी स्पीड ज़्यादा ना रखें, क्योंकि यहाँ पे जानवर अक्सर कर रोड पर आ जाते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप मेरी माने तो गाड़ी की स्पीड कम ही रखें तो ज़्यादा सही है, और नेचर को एंजॉय करते हुए चलें। हम नेशनल हाईवे 39 पर आ गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रोड बनाया गया है। अब यहाँ से जो बागेश्वर धाम का डिस्टेंस अप्रॉक्स 10 से 15 किलोमीटर का ही रह गया होगा, जो कि हम जल्द से जल्द कवर करने का सोचेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब
हमें नेशनल हाईवे छोड़कर गंज से राइट हैंड साइड मोड़ना पड़ेगा। यहाँ से जो बागेश्वर धाम का डिस्टेंस है वो मिनिमम 5 किलोमीटर के अप्रोक्स रह गया होगा। जिस प्रकार का ट्रैफिक मिल रहा है लग रहा है आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी मंदिर पर। आज शायद सैटरडे भी है, शायद इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ भीड़ है। सैटरडे और ट्यूसडे को ज़्यादा ही भक्त लोग आते हैं बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए। और देखते ही देखते हम बागेश्वर धाम बस पहुँचने ही वाले हैं, बस यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस और बाकी है और हम बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। और ये जो सामने बहुत बड़ा हॉल सा देख रहे हैं आप, बाबा जी यहीं पर अपना प्रवचन देते हैं। आज तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए मैं दर्शन करके आपसे फिर बात करता हूँ और आप भी मेरे साथ बागेश्वर धाम के दर्शन करिए। बने रहिए इस वीडियो में। बागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद हम सीधे खजुराहो के लिए निकल गए हैं। और खजुराहो जाते समय एक डैम पड़ता है जिसका नाम बैनीसागर डैम है। हम उस बैनीसागर डैम को देखते हुए जाएंगे खजुराहो। इस डैम को आने के लिए हमें मेन रोड से 1-2 किलोमीटर का ऑफ रोड पड़ता है, जो कि ज़्यादा ख़राब भी रास्ता नहीं है अगर बरसात ना होती तो, क्योंकि बरसात की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है गड्ढों में, तो थोड़ा बाइक स्लिप होने का चांसेस रहता है। बैनीसागर डैम के जस्ट बाजू में ही एक छोटा सा पार्क है जिसमें एक काफ़ी पुराना ट्रेन का इंजन रखा हुआ है जो शायद कोयले से चलता था। और अब हम बैनीसागर डैम से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एक रेलवे पासिंग आ चुकी है। खजुराहो का यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है जो कि खजुराहो से 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है, यहीं पास पर ही पड़ता है रेलवे स्टेशन। तो आप यहाँ पे आने के लिए ट्रेन का यूज़ भी कर सकते हैं, ट्रेन के थ्रू आकर यहाँ से ऑटो रिक्शा से आप खजुराहो जा सकते हैं। ये खजुराहो का एयरपोर्ट है, अगर आप खजुराहो बाय फ्लाइट भी आना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे आ सकते हैं। खजुराहो का एयरपोर्ट भी खजुराहो से 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ पर आकर आप ऑटो या टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं खजुराहो। हम खजुराहो पहुंच गए हैं। ये खजुराहो का सेल्फी पॉइंट है जिसमें आई लव खजुराहो लिखा हुआ है। खजुराहो आने के बाद सबसे पहले हमने रूम बुक किया क्योंकि इतनी लंबी राइड के बाद हम थक गए थे तो, और मेरे साथ में एक बैग भी था जिसको मुझे रखना था और थोड़ा रिलैक्स होके फिर घूमने जाना था। सारे लगेज को रूम में रखकर और फिर हम लोग शाम को घूमने निकल गए। सबसे पहले हम कंदरिया महादेव टेंपल गए जहाँ पर कंदरिया महादेव टेंपल पर आरती चल रही थी, तो हमने सबसे पहले महादेव की आरती का लुत्फ उठाया। आरती के बाद हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक की और वापस से अपने रूम पर आ गए क्योंकि दिन भर की राइड के बाद हम लोग थक गए थे और नेक्स्ट डे फिर से राइड करनी थी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल मिलते हैं, बाकी की सारी टूरिस्ट प्लेसेस हम आपको कल घुमाएंगे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।